हेलो जी राम राम जी तो आज बता रही हूँ मैं आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग तो ये ले लिया है मैंने अस्तर सूट में लगेगा अस्तर तो ये है सिलक का अस्तर तो इसको मुझे चार तह में मोड़ लिया है और अब रखूँ मैं इसमें पीछे वाला परत जितनी हमको चौड़ाई लेनी है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर सूट की जो चौड़ाई है वो मैंने दस इंच तैयार है मतलब बीस इंच तैयार है तो उसके हिसाब से हमको ले लेना है यहाँ पर बारह इंच मतलब दो इंच लूँगी मैं एक्स्ट्रा और इसकी लंबाई थी पैंतालीस इंच मतलब लंबाई तो मैंने सारी निकाल दी है क्योंकि लंबाई तो जितनी प्लाजो पैंट है इस पर खुली हुई तो उस पर लंबाई ही सूट अच्छे लगते हैं तो ये रख लिया मैंने आगे वाला भी पड़त तो इसको बिल्कुल इकसार करके रखें बिल्कुल इकसार आगे पीछे हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है सूट में फिनिशिंग नहीं आती है तो इसके बाद मुझे लगाने हैं मुड्ढे के निशान तो यहाँ पर लिया मैंने छः इंच और छः इंच लिया मैंने नीचे की तरफ और यहाँ से लूँगी मैं बारह इंच क्योंकि यहाँ पे दस इंच तैयार है तो दो इंच लूँ मैं एक्स्ट्रा तो बारह इंच पे मैंने ये निशान लगा दिए हैं और तेरह इंच पे लगाऊंगी मैं चाक वाला निशान तो यहाँ पे चाक लगाऊंगी मैं तेरह इंच पे तो ऐसे ही निशान लगाते हुए मुझे इसे बीच में से लगाना है मुझे नौ इंच पे और दो इंच लेना है मुझे एक्स्ट्रा तो इसको ऐसे ही निशान को मिलाते हुए मैं बीच की सेफ दे देनी है और यहाँ पर लूँगी मैं बारह इंच तो आपको ऐसे निशान से निशान मिला देना है और इसकी कर लेनी है हमको कटिंग तो जो हमारे चैनल पर नए है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सिलाई से कोई भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ना सिलना हो किसी भी तरीके का मतलब लत्ती में से सूट अगल अलग कपड़े से भी किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए पेंट प्लाजो खुली प्लाजो कली वाला प्लाजो किसी भी तरह की आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ तो यहाँ पर हो गई थी मेरी सूट की कटिंग और ये काटने मुझे यहाँ पे बाजू और बाजू बना रही हूँ मैं डिज़ाइन वाली तो यहाँ से लूँगी मैं दस इंच नीचे से और यहाँ से लूँगी मैं पाँच इंच क्योंकि इसमें लग बनाना है मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर की तरफ लूँगी मैं चार इंच और साइड ऐसे लगाने मुझे पाँच इंच पर निशान तो ये जो चार इंच में ले रही हूँ ये हमें लंबाई के हिसाब से मतलब फालतू कपड़ा लेना है ये लंबाई में नहीं आएगा इसका तो खाली डिज़ाइन बनेगा तो ये है आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो ये मुझे कहाँ पे यूज़ होंगी ये बाजू मतलब किस तरीके से मैं इसको अटैच करूँगी तो यहाँ पर ऐसे निशान बनाते हुए और यहाँ पे जो मैंने बॉक्स बनाया है उसमें एक गुलाई का निशान लगा लें इस तरीके से और इसकी कर दें कटिंग ये अभी फ़िलहाल फैशन में है बाजू काफ़ी तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें और बीच में लगा लेना है कट और यहाँ पर काट रही हूँ मैं इसमें बाजू में जुड़ेगा नीचे कपड़ा जिसमें ये अटैच होंगे बाजू तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं तेरह इंच बाजू की चौड़ाई और बारह इंच ले रही हूँ बारह इंच लंबाई ले रही हूँ सॉरी और तेरह इंच ले रही हूँ मैं इसकी चौड़ाई तो इसको हमें कट कर देना है क्योंकि ये मुड़ के आएँगी पाँच इंच पे आधा इंच कपड़ा नीचे जुड़ेगा और आधा इंच कपड़ा ऊपर हो जाएगा तो इसे हमें इसमें बाजू में अटैच ऐसे कर लेना है मतलब ये डबल करके दिखा रही मैं आपको जब सिलूँगी मैं दिखा दूंगी आपको पूरा तो ये ऐसे अटैच कर लेने और यहाँ पर कर दिया मैंने सूट की सिलाई शुरू तो यहाँ पर पहले हम जोड़ेंगे अस्तर ये मैं आगे वाला पड़त जोड़ रही हूँ पहले इसको अस्तर इसको लंबी सिलाई करके आप अस्तर को अटैच कर लें इसमें पहले बिल्कुल आसान तरीके से आपके आसानी से समझ में आ जाएगा फिर भी कहीं नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आप तो यहाँ पर मैं अस्तर अटैच कर रही हूँ इसका तो जो चैनल पर हमारे पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे जो ये मैं अटैच कर लेती हूँ इसमें फिर ऐसे ही हमें पीछे वाले पर्त को अटैच कर लेना है बिल्कुल एक ये एक रखना है कपड़ा अगर पीछे ना करें वरना झोल पड़ जाता है इसमें परत में तो ये हो गया हमारा आगे वाला अस्तर अटैच अब इसको लगानी हमें सिलाई गले वाली तो ये देखिए कि गले पे हम अस्तर, अस्तर कैसे अटैच करते हैं तो इसको हमें एक एक इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगानी है थोड़ी लंबी कर लें सिलाई क्योंकि ये बाद में हमें निकालनी पड़ती है सिलाई तो इसको ऐसे करते हुए हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है गले पे इसके अंदर के कपड़े को हमें निकाल देना है आधा आधा इंच छोड़ते हुए और इसमें हमें छोटे छोटे कट कर लेने हैं ताकि हमें अंदर मोड़ की तरफ दिक्कत ना हो और फिनिशिंग अच्छी आ जाती है तो इसको हम अंदर की तरफ ऐसे मोड़ते हुए जाएंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तो जो हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लगे और मोड़ने में सही नहीं आ रहा हो तो उसे आराम से थोड़ा सा काट दें और बाकी को ऐसे मोड़ते हुए अंदर की तरफ इसे ऐसे अटैच कर लें पूरे गले को काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई थी आराम से करें बिल्कुल तसल्ली से करें बहुत अच्छा सूट सिल के तैयार हुआ था और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमारी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं और किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए सिलाई से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे ब्लॉग में पहले भी वीडियो डली हुई हैं ओने की मतलब लत्ती में से ओढ़ना सिलना हो या अलग कपड़े में से भी ओढ़ना सिलना हो तो प्लीज़ अगर ओने से रिलेटेड आपको कोई चाहिए जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं हमको प्लाज़ो पैंट खुली प्लाजो पैंट कली वाले प्लाजो जी किसी भी तरीके के आपको चाहिए वीडियो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तो ये हो गया है गला तैयार आगे वाला तो अब करने हमें पीछे वाले सूट में अस्तर जॉइंट और ये मुझे करने आगे बाजू में कट मतलब यहाँ पे ये आगे आधे इंच का कट आएगा तो यहाँ पर कर लेना है मुझे ये कट तो ये अगला परत तो हो गया तैयार अब करना है हमें पिछले वाला परत तैयार तो पीछे वाले इसमें परत में हम अस्तर जॉइंट करेंगे पहले तो लंबी सिलाई करके आप इसे ऐसे जॉइंट कर लें बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सूट सिल जाता है ऐसा नहीं है कि सूट कोई ज़्यादा दिक्कत है सिलने में तो यहाँ पर कर लिया मैंने अस्तर अटैच पर हो गया है हैतर अटैच इसके बाद करनी है हमें इसके गले की कटिंग पीछे वाले की क्योंकि आगे वाला तो हो गया तैयार उसमें कुछ नहीं करना है हमें क्योंकि आगे वाला गला था तैयार तो उसमें तो बस अस्तर अटैच किया हमने ये कपड़ा सिलक का है थोड़ा फिसल रहा है यहाँ से तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो इसमें हमें क्या करना है इसको हमें पीछे वाले परत को मोड़ लेना है और इसमें एक दस बारह इंच पे एक लंबी सिलाई लगा देनी है बीचों बीच क्योंकि हमें गला काटेंगे तो वो फिसलेगा तो वो आगे पीछे हो जाती है पट्टी तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी तो आप ये सिलाई ज़रूर लगा लें इसे ना छोड़ें वरना हमारा गला आगे पीछे हो जाता है जो हम फिनिशिंग चाहते हैं वो नहीं हो पाती है तो यहाँ पर लाइट की हो रही थी प्रॉब्लम तो इसके लिए हम चाहेंगे सॉरी माफ़ करें तो वैसे तो आ गई थी थोड़ी देर के में ही और यहाँ पर मैं करूँगी गले की कटिंग पीछे वाले की तो यहाँ पर लेना है यहाँ पर मैं चौड़ाई नाप रही हूँ अगले गले से और लंबाई लेनी है मुझे इसकी आठ इंच यहाँ पर आठ इंच की लंबाई लूंगी मैं यहाँ पर तीन इंच की चौड़ाई है गले की और आठ इंच लेंगे मैं लंबा ये पीछे वाला गला है ये तो अपने आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं छोटा बड़ा जैसा आपकी मर्जी हो मतलब कुछ लोग मतलब बड़ा पहनते हैं कुछ छोटा पहनते हैं तो वो अपने हिसाब से कट कर लें ये हो गया मेरा गला तैयार पीछे वाला कट के और इसके लिए मुझे काटनी है पट्टी पट्टी काटनी है मुझे उड़ेबुआ क्योंकि पीछे वाले गले में मैं ज़्यादातर पट्टी उरेबुआई लगाती हूँ अगर डिजाइन वाले नहीं बना रही हूँ तो अगर डिजाइन वाले बनाती हूँ तो मैं बुकरम पे बनाती हूँ अगर मैं सिंपल गला बना रही हूँ तो मैं काटती हूँ पट्टी उड़ेब तो ये इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और यहाँ पर मैं इसे कर लूँगी एक सार और इसको मोड़ के मुझे डबल करके लगानी है इस पर तो यहाँ पर मैंने रख लिया गला सीधी तरफ से और इसमें मैं करूँगी पट्टी जॉइंट डबल करके तो ये देखिए ऐसे अटैच करते हुए आप इसे सिल सिलते लाए तो ऐसे हमें ये पूरी जॉइंट कर लिया और अब हमें इसमें मानने छोटे छोटे कट क्योंकि इसमें मुड़ने में फिर दिक्कत नहीं आती है वरना सीधी सी हो जाती है वो पट्टी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है तो इसमें छोट थोड़ी थोड़ी दूरी पे करीबन एक इंच की दूरी पे आप कट कर लें छोटे छोटे और अब मैं करूँगी अगले परत को इसमें जॉइंट यहाँ पे मैं अगला परत जॉइंट कर रही हूँ मुडे जॉइंट कर रही हूँ मतलब तो कई लोगों की समस्या होती है कि हमारे शोल्डर गिर रहे हैं तो उसके लिए मैं बता दूँ तो जहाँ पर हम ये जॉइंट कर रहे हैं गले को इसको हल्के से गले की तरफ से हमें अंदर की तरफ सिलाई ले लेनी है अंदर की तरफ मतलब नीचे की तरफ शोल्डर पर से तो आपके शोल्डर्स नहीं गिरेंगे एक बार ज़रूर ट्राई करें क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान थी फिर मैंने ऐसे करके देखा एक बार तो मेरे अब गला बिल्कुल फिट बैठता है आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें तो ऐसे पट्टी को उसमें अटैच करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है तो यहाँ से थोड़ी दबाएँ जहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ ना यहाँ से गले के नीचे की तरफ लगाएँ और ऐसे सिलाई लगाते हुए इसको फिनिश कर दें तो यहाँ पर कर लिया मैंने पट्टी जॉइंट और अब ये पीछे वाली पट्टी मुझे अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसमें लगानी है लंबी लंबी सिलाई क्योंकि बाद में करूँ मैं इस पर तुरपाई और ये सिलाई हमको निकाड़ देनी है तो इसमें मैं लगा लगा लेनी हमको सिलाई ऐसे करते हुए अंदर की तरफ मोड़ते हुए तो ये हो गया मेरा गला तैयार बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरा गला तैयार हुआ है ये तो अब मैं इसकी लगाऊंगी साइड की सिलाई और अब कर रही हूँ मैं बाजू तैयार पहले बाजू आप ध्यान से देखें प्लीज़ बाजू बहुत ही फैंसी बाजू बनी थी तैयार होके तो यहाँ पर हम चार इंच छोड़ते हुए और बाकी में डालनी है हमको प्लेट और ये ऊपर जो हमने गुलाई काटी है इसमें हमें प्लेट डालनी है सुई से छोटी 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 तो हम इसको सुई से एक बार धागे से करके और इसको अभी दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे तो हमें सुई में धागा डाल देना छोटे छोटे स्टेप लेते हुए हमें ऐसे करते रह करते हुए इसको पूरा कवर कर लेना है जहाँ तक हमने गुलाई काटी है आप इसको सुई से ही करें नहीं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगा अगर आप हाथ से करेंगे ना तो कहीं पे प्लेट बड़ी हो जाती कहीं पे हो जाते हैं छोटी तो उसकी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है तो ये मैंने कर लिया इसको ऐसे तो इसकी करीबन होगी चार इंच है इसकी लंबाई जो हमने बीच में मतलब तैयार करके छोड़ी है चार इंच का धागा समझो जो हमने छोड़ा तैयार करके तो यहाँ पे ये पफ बन जाता है बहुत अच्छा तो यहाँ पर मैंने लगा लिया था इसको ऐसे और यहाँ पे धागा कर देना हमको लॉक ताकि फिस लेना ये बाजू तो यहाँ पर हम ऐसे एक सार करके यहाँ पे बाजू इसको धागे कर देते हैं लॉक ये आगे पीछे खिसकेंगी नहीं और फिर करनी हमें नीचे वाली ऐसे इस, इसमें प्लेट डालनी नीचे से तो नीचे हम चार इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमको बाकी में सारी में प्लेट डाल लेनी है यहाँ पर हमने आपको देखा होगा कि यहाँ पर हमने लिया था इसकी चौड़ाई दस इंच तो दस इंच हमने इसीलिए ली थी क्योंकि इसमें हमने नीचे प्लेट डालनी है तो आप देखिए चार इंच छोड़ते हुए और चार इंच छोड़ना है हमें इधर बाकी बीच में हमें डाल देनी प्लेट यहाँ पर जो मेरी स्लीव्स तैयार होंगी उसकी चौड़ाई है पाँच इंच तो उससे हमें दो इंच लेना है फालतू क्योंकि वो सिलाई तो में दबेगा तो उसके हिसाब से ये ले आप अगर इसमें ज़्यादा प्लेट्स डालना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई आप बारह इंच भी रख सकते हैं जैसे मतलब बड़ी बात जो हम सिल रहे हैं तो मीडियम है सूट की जो ना नाप है ये है मीडियम तो अगर आप थोड़े मतलब मोटे हैं या थोड़े पतले हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं उस हिसाब से आप अगर आप ज़्यादा प्लेट्स चाहते हैं तो ज़्यादा प्लेट्स भी डाल सकते हैं तो ये अपने अपने ऊपर है देख लेना आप जैसे आपको ठीक लगे तो यहाँ पर ये मैंने कर लिए बाजू तैयार और यहाँ पे मैंने धागा लॉक करके मुझे धागा ये धागा काट दिया मैंने और ऐसे ही मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए यहाँ पर और अब मुझे ये कपड़े पर अटैच करनी है जो मैंने कपड़ा काटा था इसमें तो यहाँ पर मैं कपड़ा अटैच कर रही ली इसमें तो हमें मतलब सिंगल करके इस पर कपड़ा अटैच कर देना और बाद में ये दोबारा ऐसे मोड़ के इसको फिनिशिंग के साथ हमें ऐसे इस पर सिलाई लगा देनी है तो जो हमारा बारह इंच कपड़ा था वो सिल के हमारा यहाँ पे साढ़े पाँच इंच आ गया है क्योंकि एक इंच तो हमारे सिलाई में दब गया है यहाँ पर तो ये हो गई है हमारी यहाँ पे बाजू तैयार काफ़ी अच्छी बाजू तैयार हुई है यहाँ पे तो ये देखिए मेरे सूट की सिलाई और अगर आपको कोई भी सिलाई से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़